हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से बीपीएससी टीआरई 2.0 पीआरटी का जो सिलेबस जारी हुआ है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका है कि आखिर में ये पार्ट थर्ड जो है वो लैंग्वेज किस तरीके से पूछा जाएगा और क्या ये गलती से आ गया है। जैसा कि बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कुछ लोग बता रहे हैं कि ये भाषा वाला जो है वो गलती से आ गया है या फिर ऐसा ही होगा, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक आज आपको पता ही है कि पटना में जो है गर्दनी बाग में सीटेड अपियरिंग के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, यूनिटी रहेगी। तो सीटेड अपीयरिंग को अगर मौका मिलता है तो पीआरटी के साथ साथ 6 से 8 में भी मिलेगा। दूसरा, एक सीटेड से रिलेटेड कि सीटेड का जो मार्क्स है, सबसे ज्यादा यहां से प्रश्न आ रहा है कि आखिर में जो सीटेड का नंबर है, क्योंकि आपने देखा होगा नोटिस में लिखा है सामान्य फीमेल, तो क्या बिहार की सामान्य फीमेल है वो बाहर की है। सभी पे बात करने वाले हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिले। देखिए, जब भी बीपीएससी की तरह जो भी अपडेट आता है आपको अपने अपने चैनल से मैं सबसे पहले बताने की कोशिश करती हूँ, साथ में टेलीग्राम पे भी भेजती हूँ। और आपने देखा होगा कि जो इनकी नोटिस है ना, मोस्टली रात में ही आती है। ठीक है, कल भी देखिए नोटिफिकेशन रात में आया, अब नेक्स्ट जो संशोधन होगा वो भी रात में ही होगा तो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले मैं सीटेड अपीयरिंग से ही बात करती हूँ, क्योंकि जो भी वीडियो बनाओ ना वहां पे सीटेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और कुछ लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बार उनको मौका मिले। तो देखिए, सीटेड अपीयरिंग जो स्टूडेंट है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और आज जो है पटना के गर्दनी बाग में बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं। अगर इनकी संख्या 5 से 6 हजार हो जाती है तो इनकी बात सुनी जाएगी, इनको भी शामिल होना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं फॉर्म के चक्कर में, वो बात दूसरी है कि कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रही है, एडिट का मौका नहीं मिल रहा है। बट यस, अगर सीटेड अपीयरिंग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर उनकी संख्या ज्यादा होती है तो उनकी बात बीपीएससी चेयरमैन तक पहुंचेगी, फिर उसमें देखते हैं वो क्या करते हैं। बट अभी आपको यूनिटी दिखानी है और अगर यूनिटी आपने दिखाया तो सीटेड अपीयरिंग को भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में मौका मिल जाएगा। फिलहाल के लिए तो सारे रास्ते बंद हैं क्योंकि ना तो बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, इकट्ठे ही नहीं हो रहे, 2-4 कुछ जाते हैं, कभी 50 जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाइए तभी जाकर आपको मौका मिलेगा, तो फॉर्म की डेट बढ़ सकती है और एग्जाम की डेट भी बढ़ेगी। और अगर इनको मौका नहीं मिलेगा तो आपका एज इट इज वही दिसंबर में पेपर होगा, क्योंकि आप जानते हैं ना सीटेट का पेपर आपका जनवरी में है, तो फिर इनको जनवरी के बाद ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने सीटेट से रिलेटेड बताई है, सब आपके हाथ में है, अगर आप जाएंगे सपोर्ट करेंगे तो ही मौका मिलेगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं सीटेट के नंबर से रिलेटेड। देखिए, ऑफिशियल नोटिस में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज भी करते हैं कि कुछ लोग जो है अदर स्टेट की जो फीमेल थी उनको 82 पे हो गया और आज बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहे हैं कि कुछ लोगों का नहीं हुआ। तो देखिए, ये चीजें तो समझ से परे हैं क्योंकि ऑफिशियल नोटिस में आप मुझे बताओ सामान्य का मतलब क्या हुआ। जैसे कि कोई लड़का है वो चाहे बिहार का हो चाहे वो बिहार के बाहर का हो, वो सामान्य मेल ही तो होगा ना, अलग कैटेगरी कैसे बन जाएगी। जैसे कि अभी देखिए, बिहार के जो भी जनरल मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 90 नंबर लेकर आना है, तो बिहार के बाहर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब जनरल में ही आएंगे, उनको भी 90 चाहिए। अगर आप देखें इनकी जो मेरिट लिस्ट बनी थी, मेल का अलग बना था, फीमेल का अलग बना था, आपने देखा होगा। मतलब मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं जो नंबर थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक दिन पेपर इजी आया था, एक दिन पेपर टफ। बाद में जब नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं, सबका एक साथ ही मिक्स कर दिया गया, ये भी चीजें समझ में नहीं आई। बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्मलाइजेशन की भी मांग कर रहे थे क्योंकि जब महिलाओं का अलग हुआ है उनका पेपर भी ईजी था, हमारा पेपर इतना टफ था, तो फिर आपने एक साथ रिजल्ट कैसे बनाया, वो भी चीजें क्लियर नहीं हुई अभी तक। दूसरी चीज की सीटेड में सबका तो क्लियर है कि अगर आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, पीएच में आते हैं तो आपको 75 नंबर चाहिए। अगर आप जनरल में आते हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 90 नंबर चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, यहां तक कि सामान्य वर्ग की महिला, तो वो उनको 55% चाहिए, 82 नंबर। बट सबसे बड़ा डाउट देखो, बिहार की जो भी सामान्य महिलाएं हैं उनको तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो 82 में आएंगी। बट आप नोटिस को पढ़िए, वहां पर एक बार भी ये तो नहीं लिखा है कि ये केवल बिहार की ही सामान्य महिलाएं हैं, वहां पे जनरली लिखा गया है कि अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग की महिलाएं। तो महिला चाहे वो बिहार की हो चाहे वो बिहार के बाहर की हो, तो वो भी तो महिला ही है। और आपने देखा होगा कि रिजल्ट भी कैसे, जो अनरिजर्व कैटेगरी थी उसमें सारी महिलाएं ही तो आई थी, फिर चाहे वो दूसरे जो जनरल अनरिजर्व की जो सीट थी उस पर भी गई थी, तो ये चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये कब तक क्लियर होता है। तो अगर आपके 90 नंबर हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर देना, बिहार के बाहर की हैं तो ठीक है।
क्योंकि रिस्क क्यों लेना है। और अगर 82 नंबर है आप बिहार की हैं जनरल फीमेल तो आप 82 पे भी भर सकते हैं। अगर इस पे देखते हैं कब तक इस पे स्पष्टीकरण आता है, क्योंकि नोटिस में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि केवल बिहार की सामान्य महिलाओं का होना चाहिए या फिर बिहार के बाहर का, बस जनरली लिखा है सामान्य महिला। तो ये मैंने इसलिए बता दिया। तो अभी तक जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है कुछ लोगों का, तो फिर अदर स्टेट फीमेल अगर 90 नंबर है आप सीटेड पेपर वन चाहे पेपर टू, अब मैं आपके 90 नंबर है तो आप 1-5 और 6-8 दोनों में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। बट यही चीज है कि अभी देखते हैं इसमें जो ये 82 नंबर वाला है सामान्य महिला, ये केवल बिहार का है कि बिहार के बाहर का है, इस पे जैसे ही जो भी स्पष्टीकरण आएगा मैं आपको बता दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न। देखिए एग्जाम पैटर्न में तो सेम है जैसा सबका है, 6 से 8, 9 से 10, एक ही दिन पेपर होना है, 150 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, भाग वन आपका 30 है, सब में सेम है, जो कि भाषा का पेपर है जिसमें 30% लाना अनिवार्य है, मतलब 9 नंबर लेकर आना जरूरी है। दूसरा आपका 40 नंबर, ये भी सिलेबस एकदम सेम है, इसमें आपका प्राथमिक गणित, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पॉलिटी हो गया, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, ये सारे सिलेबस सेम है, बस इसका नंबर घटा दिया गया है 40 नंबर का। बट हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि 1-5 का जो टीचर बनते हैं वो कोई विशेष सब्जेक्ट के बनते नहीं है कि स्पेसिफिक मैथ के बनेंगे, साइंस के बनेंगे, उन्हें तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं। तो सभी को ऐसा लग रहा था कि ये 120 नंबर का ही पूरा जीएस आएगा क्योंकि मेरिट यहीं से बनती है। बट इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, 80 नंबर पे विषय लिखा हुआ है 1-5 में, तो ये एक डाउट में आ चुका है। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि अभी ये पता ही नहीं है कि गलती से हुआ है कि कैसे हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती, क्योंकि नीचे आप देखो ना पूरा इन्होंने विषय लिखा है और कौन हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, एक का चुनाव करना है, या ये जल्दीबाजी में हुआ है। क्योंकि अगर ये विषय का एक सब्जेक्ट इन्होंने रखा है तब तो 80 नंबर का सोचिए, हिंदी भाषा, उर्दू, बांग्ला, अब कुछ लोग उर्दू ले लेंगे, कुछ लोग बांग्ला ले लेंगे, कुछ लोग हिंदी ले लेंगे, तो हिंदी में से 80 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है कि आखिर में क्यों ऐसा हुआ है और क्या गलती हुई है। तो देखिए अगर गलती हुई है तो आप जानते हैं कि संशोधन हो जाएगा और ट्वीट भी आ जाएगा, क्योंकि हमसे ज्यादा वो लोग संशोधन और ट्वीट में आगे रहते हैं, तो ये हमें पता चल जाएगा। बट अभी के लिए तो आपको यही मानना होगा क्योंकि नोटिस में तो यही लिखा है कि 30 नंबर का भाषा है, 40 नंबर का जीएस है और 80 नंबर का विषय, वो भी आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इन तीनों में से एक में चुनाव करना है। तो ये आपका सिलेबस, ये थोड़ा इस बार नया सिलेबस हमें देखने को मिला। और अगर ये गलती हुई है तो चेंज हो जाएगा, फिर आपका वही सीधे 120 नंबर का जीएस। अच्छा, कुछ लोग चाहते हैं कि चलो 80 नंबर का विषय है तो सही है, हिंदी ही तो पढ़ना है, बट ये हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होगा। देखते हैं कि क्या ये इस बार ये नया बदलाव करके इन्होंने ऐसा रखा है या फिर गलती हुई है, यह भी किसी को नहीं पता है। जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे थे कि ये विषय क्या है, ये क्या बताइए, इस पे क्लियर कीजिए कि विषय क्यों ऐसा लिखा है, यहाँ पर विषय क्यों होना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो 1-5 का है। तो ये तो नोटिस में आई है, अब देखते हैं क्या होता है। बीपीएससी के चेयरमैन सर बहुत जल्द इस पे ट्वीट कर देंगे, डोंट वरी, और संशोधन भी हो जाएगा अगर यहाँ पर गलती हुई है तो। और अगर कोई संशोधन नहीं होता है, कोई ट्वीट नहीं आता है, देन आपको हिंदी 80 नंबर का पढ़ना होगा। सीटेट और आपका ये जो सिलेबस है चाहे अपीयरिंग है, इन सभी से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। अभी आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो, जीएस पढ़ो, बाकी ये विषय वाला जो है 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, बहुत जल्द इस पे आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।